नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24x7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जनता जनार्दन न्यूज 24x7 की टीम ने आज जिला पंचायत सदस्य बसरिया प्रथम प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत खेड़ा एलू पंकज यादव से की खास मुलाकात। 2022 विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार। जनता के साथ मतदान करने का पूरा प्रयास करेंगे और लगातार कर भी रहे हैं। सर, आप देख रहे हैं जो आगामी विधानसभा 2022 है, इसमें सर जनता के मेन कौन कौन से ऐसे कार्य या कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो जिन्हें लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? सबसे बड़ी तो जनता के सामने समस्या, किसान बहुत परेशान है जी, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, लाइट का आप शेड्यूल देख ही रहे हैं, लाइट का कोई शेड्यूल नहीं है। इस सरकार में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी कि किसान की आय दोगुनी, किसान की वो हालत है आप देख लीजिए, रात में जाके करीबी बेचारा इस डुबती सर्दी किसान अपनी खेत की मेहनत पे गली में चौबारों पे परेशान है, लगातार पूरी फसल ये जिसको हम माता कहते हैं मात रूप में गाय पूरी फसल नष्ट करने के लिए रात दिन किसान को परेशान किया, और खाद की जो बोरी है उसको भी 50 किलो की बोरी को 5 किलो खाद भी चोरी कर ली गई, चारों तरफ से किसान पर मार पड़ रही है, बेरोजगारी चरम पर है, नौजवान रोडों पर रात दिन भाग रहे हैं और लगातार जब परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा का पेपर नष्ट हो जाता है। इन सारी समस्याओं को लेकर पूरी प्रदेश में एक तरफ लहर चल रही है आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, सीधी सीधी सारी पब्लिक जनता जनार्दन मन बना चुकी है, सीधा सीधा साइकिल को बटन दबा के पूर्ण बहुमत की 300 प्लस की सरकार बनेगी, इसमें कोई निसंदेह कोई संदेह नहीं। सर, यही बात कर लेते हैं हम आपकी विधानसभा मनीष यादव पत्रे जो पुराने बीजेपी में थे, अब वो आपकी पार्टी में आ गए, उनके आने से क्या आपको लगता है क्या इफेक्ट पड़ेगा? भाई, वो हमारे घर में आए, हमारी पार्टी में आए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उनका भी स्वागत करता हूँ, और कल का बिछड़ा आज आ जाए तो वो कहीं बाहर नहीं होता है, ये सब परिस्थितियों में बाहर गए और अब हमारी पार्टी में आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। निश्चित तौर पे पिछली विधानसभा में उन्हें 70-75 हज़ार वोट मिला था, तो वो वोट भी अगर जब समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो जाएगा तो निश्चित एक तरफा 95% वोट आदरणीय शिवपाल सिंह के पक्ष में पड़ेगा। सर, यही सत्ता पक्ष का सर आपकी पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा आरोप ही लगाती रहती है, बोलते हैं कि जब जो फर्स्ट एवं सेकंड जो कोविड की जो लहरें आई हैं उस टाइम क्या हुआ सर, आपकी जो पार्टी और आपकी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता थे वो क्वारंटाइन हो गए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोविड ऐसा है, क्वारंटाइन तो एक पब्लिक में भ्रांति फैली जी, जिसका लोगों में ये दुष्प्रचार हुआ कि इसका कोई इलाज नहीं है जी, तो लोगों को इसकी पीड़ा हुई और ज़्यादातर लोगों को जबरदस्ती दिया गया। अभी आप देख लीजिए शिक्षा का वो स्तर हो गया है जिसकी बहुत बड़ी समस्या है, आप लगातार कोविड का जो सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है वो सीधा सीधा पड़ रहा है जाके शिक्षा पर जी, तो शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है जी, और लगातार हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि कोविड का भी पालन हो और कोविड के साथ साथ सरकार से ये भी करेंगे, चुनाव आयोग से भी ये आग्रह करेंगे कि शिक्षा में थोड़ा सुधार किया जाए, भले ही 50% विद्यालय इससे आने वाले भविष्य में बहुत ही शिक्षा की स्थिति खराब हो जाएगी और इसकी आगे आने वाले नौजवानों को भरपाई नहीं कर सकते। सर, यही बात आप कर रहे हैं शिक्षा की, सर प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड सर ये है कि करोड़ों की संख्या में अपने प्रदेश में युवा बेरोजगार है, यदि आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो उनको आप रोजगार किस प्रकार से या किस प्रकार से देना चाहेंगे? आदरणीय नेताजी से लेके आदरणीय अखिलेश जी यादव जब सरकार थी तो नौजवानों को रोजगार दिया गया, रोजगार नहीं दे पाए उन्हें बेरोजगारी का हक्का दिया गया, महिलाओं को समाजवादी पेंशन से लेके हर वर्ग के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए पूरी बिजली फ्री, पानी फ्री, जो सरकार हर संभव प्रयास कर सकती थी, अब तो हमारे राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने ये भी निर्णय कर दिया है और घोषणा पत्र भी लागू कर दिया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री, और 300 यूनिट बिजली अब आज जो गांव की, गली की हो, शहर की हो, सारे घरों में बिजली की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और 300 यूनिट बिजली फ्री करने से हम समझते हैं किसान से लेके लघु व्यापारी छोटे बड़े सबको बहुत बड़ा फायदा होगा। सर, यही हम बात कर लेते हैं किसानों,
सर केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही जो योजना है, जैसे सम्मान निधि हो चाहे सर, या सम्मान निधि हो, जैसे श्रम कार्ड हो, इस प्रकार की जो अनेकों लोहानी जो भी योजना है सर, क्या उन योजनाओं से जनता के ऊपर किसानों के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? योजना कोई है क्या योजना? जय सर सम्मान निधि हुई, सम्मान निधि आप देख लीजिए, हमने अभी आपको बताया 100 गाय हमारे घर के बाहर बैठी है जी। आदमी के पास आप आज के इस समय में लगभग 10 बीघा से ज्यादा, हम समझते 10 या 15 बीघा ज्यादा किसी किसान के हिस्से में जमीन नहीं आ रही, आबादी इस तरीके से बढ़ चुकी है, तो अगर वो 100 गाय अगर किसी के में तो उसका तो पूरा खत्म हो जाएगा, उसको 20 किलो दे देंगे या 2000 रुपए दे उससे, तो 2000 नहीं दिए, उसी आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। एक मैं वक्तव्य कहना चाहता हूँ, शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं जी, स्कूलों को बंद कर लोग रैलियों में बुलाए जा रहे हैं, तू कब तक फ्री के राशन का मजा लेता रहेगा रे आम आदमी, तेरे बच्चे जिस्म से नहीं दिमाग से फाहिश बनाए जा रहे हैं। मैं इस के माध्यम से और आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से मैं आगाह करना चाहता हूँ उस प्रदेश की जनता को और सारे लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस सरकार ने जो वर्तमान सरकार रही है उसने आपके बच्चों के भविष्य को और फ्री के राशन में लोबन देकर और 2000 की सम्मानित से आपको पारित किया जा रहा है और आपको इशारा किया गया है। सर बात कर लेते हैं अभी पंचायत स्तर, क्योंकि आप प्रधान प्रतिनिधि भी सर, आप तीसरा कार्यकाल आपका ये है, ऐसे आपने कौन कौन से कार्य कराए हैं जो इससे पहले और प्रधान या और किसी कार्यकाल में नहीं किए गए थे? जैसे आपने अभी बताया था पानी की टंकी का बता रहे थे सर, जैसे शौचालय है, जैसे सर आवास है, या सर संपर्क मार्ग है, या मनरेगा के तहत कौन कौन से कार्य हैं जो आपने करवाए हैं सर बताएं। हमने अपने पूरे 10 साल के कार्यकाल में जिस समय मैं प्रधान बना 2010 में, उससे पहले स्कूल ग्राम पंचायत में कई 10वीं के शिशु थे, 5 गांव हमारी ग्राम पंचायत में आते, 5 गांव 110% हमने सीसी के द्वारा सेचुरेट नाली के द्वारा सही पानी का निकास, उसके साथ विद्यालयों का सौंदर्यीकरण, पंचायत भवन का सौंदर्यीकरण और मनरेगा से हमने अनैया नदी तक की सफाई कराने का कार्य इस ग्राम पंचायत के लिए किया है और इसी की वजह से आज तिवारा ग्राम पंचायत खेड़ा हेलू की महान जनता ने हमें आशीर्वाद देकर प्रकार मतों से विजय हासिल कराई है। आज हमारी पत्नी इस ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान है और इसी पब्लिक के आशीर्वाद से जिला पंचायत से। सर यही बात कर लेते हैं सर, प्रधानमंत्री की तौर पर सर आपने जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दिवाई थी उस टाइम सर हुआ गया था कि आपने अपनी ग्राम पंचायत की जनता या क्षेत्र की जनता को किस टाइप से बचाया? प्राथमिक विद्यालय खेड़ा हेलू में आइसोलेशन वार्ड बना के जो लोग बाहर से आए उनका हमने यहीं रोक के उनके खाना पानी की सारी व्यवस्था कराई और उनका पूरा चेकअप कराया, जो लोग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई उनके को आइसोलेट किया गया और जो नेगेटिव आए उनको उनके घर छुड़वाया गया, इसके माध्यम से और लगातार जो वैक्सीन 110% हमारे ग्राम पंचायत में वैक्सीन हो चुका है, सेकेंड डोज तक भी कुछ लोग बाकी होंगे उनका समय आने का हो जाएगा। सर यही बात कर लेते हैं, जैसे आप जो ग्राम पंचायत स्तर की बात कर रहे थे, ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत स्तर की जिला पंचायत सदस्य हैं सर आप सर आपको बताया जाता है या ब्लॉक में सब लोग यूथ आइकन के नाम से जानते हैं सर, यूथ आइकन के तौर पे यूथ के लिए यदि आपको मौका मिलता है सर, यदि आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो यूथ के लिए आप क्या करना चाहेंगे, उसे किस प्रकार से प्राथमिकता देंगे? हमने समय समय पर जब हमें मौका मिला हमने पिछले भी करीब इस क्षेत्र में 200 किटों से ज़्यादा नौजवानों को देने का कार्य किया, हमारे विद्यालय के सामने कैंपस है, इसमें हर वर्ष हम लगातार बैडमिंटन से लेके वॉलीबॉल से लेके सारे मैच लगे रहते हैं अपने बच्चों को खेलने के लिए और हमें ऐसा हम भी युवा है, हमें भी क्रिकेट का बहुत शौक रहा है लगातार, तो जब हमें मौका मिलता है तो हम युवाओं को सम्मानित करने का करते हैं। अब भविष्य में हम सोच रहे हैं कि अगर मेरी ग्राम पंचायत में जमीन उच्च स्तर पर न होने के कारण 1-2 नंबर हैं वो नदी साइड हैं जिससे वहाँ ग्राउंड नहीं बन सकता है और हमारे यहाँ लगभग 40-45% वनभाग हर ग्राम सभा की जमीन के आसपास है, इसलिए हमें ग्राम में खेल का मैदान बनाने में समस्या आ रही है और आगे आने वाले समय में अगर सरकार बनती है तो सरकार के माध्यम से एक
इस क्षेत्र को चौबिया में तो एक खेल का मैदान दिया है और हम सोचते हैं कि उसी तरह का खेल का मैदान इस ग्राम पंचायत खेड़ा हेलू और नौजवान साथियों को देने का प्रयास करेंगे। सर यही बात हम करते हैं, नजर डालते हैं किसान आंदोलन की, किसान आंदोलन के ऊपर जो सर किसान बिल आया था, किसान बिल पहले गवर्नमेंट ने दिया, उसके बाद एक वर्ष तक धरना चला, कोई आंकड़ों के अनुसार 750 किसान भी मारे गए। सर उसके बाद क्या हुआ कि सत्ता पक्ष ने वो बिल वापस ले लिया है, आपको क्या लगता है बिल वापस होने से इसमें कुछ जनता के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? जनता सारी चीज समझ चुकी है और इस उत्तर प्रदेश और राज्यों में चुनाव न होते तो भ्रष्ट सरकार कभी बिलों को वापस नहीं करती, तो आज वोट की लागत में ये बिल वापस किए गए हैं। पब्लिक पूरी तरह से मन बना चुकी है, हमने पहले भी आपसे कहा और पुनः इस बात को रिपीट करना चाहता हूँ कि सारे किसान, नौजवान, गरीब, बेसहारा, बाप, विकलांग, जिस वर्ग के भी लोग हैं, जात वात को सारी बातों को भूलकर एक तरफा समाजवादी पार्टी साइकिल का बटन दबाकर और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव को पूर्ण बहुमत की सरकार में पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे कि पंकज यादव जी ने बड़े ही सरल स्वभाव से बताया है कि 2022 जो भी इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। धन्यवाद।